शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अमीर बलाज टीपू की मौत से जुड़े हुए चंदे का काय। अमीर बलाज टीपू का पोस्टमार्टम करने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। अमीर बलाज टीपू का पोस्टमार्टम करते वक्त ऐसा भी क्या हुआ था कि हर तरफ इस बात के चर्चे होने लगे। आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में शादी की तकरीब के दौरान होने वाली फायरिंग से अमीर बलाज टीपू का कत्ल हो गया। अमीर बलाज टीपू ठोकर न्याज बेग के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में साबिक DSP अकबर इकबाल के बेटे की शादी में शरीक थे। चारों तरफ खुशियों के शादियाने बज रहे थे और खुशियां मनाई जा रही थी, मगर किसी को मालूम नहीं था कि खुशी और मसरत की ये तकरीब कुछ ही वक्त बाद गम और सोगवारी में बदलने वाली है और वहां पर बड़ी जवानी में एक नौजवान का कत्ल होने वाला है। शादी की तकरीब धूमधाम से जारी थी जब हवाई फायरिंग के दौरान अमीर बलाज टीपू समेत 3 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया। आंखों में आंसू लिए सब लोग अमीर बलाज टीपू और दूसरे 3 अफराद की सेहतियाबी की दुआएं अल्लाह के हजूर पेश कर रहे थे, मगर किसी को मालूम नहीं था कि ये दुआएं कबूलियत का दर्जा पाने वाली हैं बल्कि अल्लाह के हजूर से भी मुस्तरद होने वाली हैं। अमीर बलाज टीपू को इंतहाई जख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए अमीर बलाज टीपू ने अपनी आखिरी सांसें ले ली और हाली के हकीकी से जा मिले। लाहौर पुलिस ने इस बारे में बयान दिया कि वाकये की इतला मिलते ही लाहौर पुलिस की बारी नफरी अस्पताल में पहुँच गई जहाँ पर मकतूल को आखिरी वक्त में लाया गया था और इसके साथ ही मकतूल के चाहने वालों की एक बड़ी तादाद भी अस्पताल में पहुंच गई। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में पैर धरने के लिए भी जगह न रही। हर तरफ गम के गहरे बादल छाए हुए हैं और इनके चाहने वालों की बड़ी तादाद दुखी दिलों के साथ वहाँ जमा थी। कुछ लोग इसे सिर्फ एक वाकया करार दे रहे थे कि ये सब कुछ हादसाती तौर पर हुआ है, जबकि कुछ लोग इसे वाज़ेह तौर पर कत्ल करार दे रहे हैं। इसके साथ ही लाहौर पुलिस ने कातिल को भी इस हमले में मार गिराने का दावा किया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मकतूल अमीर बलाज टीपू की मुहाफिजों की फायरिंग से हमलावर मारा गया है। अब इनके इस दावों में कितनी सच्चाई है इस बात के बारे में अभी खत्मी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर अमीर बलाज टीपू की मौत ने उनके अहले खाना पर गम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। दोस्तों ये वाकया दरीना दुश्मनी की वजह से पेश आया। कहा जा रहा है कि अमीर बलाज टीपू के किसी दुश्मन ने उन्हीं के कत्ल की साजिश करवाई जो कि कामयाब ठहरी और अमीर बलाज टीपू अब इस दुनिया में नहीं रहे। ताम इस बारे में अभी अपने तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अमीर बलाज टीपू की कत्ल के वाकये में कौन सा ग्रुप मुलविस था और उनके कत्ल के पीछे किसका मास्टरमाइंड था। इस मुतल्लिक लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और उन्होंने दावा किया है कि जल्द इस बारे में तमाम तहकीकात को मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोस्तों अमीर बलाज टीपू ने हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की थी और उनके एक सरगर्म कारकुन थे। अमीर बलाज टीपू उर्फ आमिर टीपू उर्फ ट्रक्का वाला का बेटा था। यहाँ एक बात काबिले जिक्र है कि आरिफ आमिर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला भी 14 साल कबल 2010 में दुश्मनी की भेंट चढ़ गया था। उन्हें इलामा इकबाल एयरपोर्ट की पार्किंग में गोली मारकर हलाक किया गया था, जबकि अमीर बलाज टीपू भी बड़ी तादाद में दुश्मन रखने वाला डॉन था। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीना हॉस्पिटल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। अमीर बलाज के साथ जख्मी होने वाले दीगर साथियों का इलाज भी जारी है। वाकये की इतला मिलते ही नून लीगी रहनुमा अता तारर भी जिना अस्पताल पहुंच गए। बलाज की मौत खूनी दुश्मनी का एक और बाब शुरू कर सकती है जिसका आगाज 1994 में उनके दादा बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल से हुआ था। पुलिस जराये के मुताबिक अमीर बलाज टीपू पर हमला करने वाला शख्स शेखपुरा के नवाही गाँव का रहायशी था। हमलावर की शिनाख्त फिंगरप्रिंट्स की मदद से की गई। हमलावर की शिनाख्त मुजफ्फर हुसैन वल्द सादी के नाम से हुई। मुलजिम मुजफ्फर हुसैन हसास इदारे का साबिक मुलाजिम निकला। मुलजिम मुजफ्फर हुसैन 3 बार अमीर बलाज के सामने गया तो उनके भाई मुसीब और सिक्योरिटी ने हटा दिया। मुलजिम मुजफ्फर हुसैन ने एक रोज कबल ही नया मोबाइल फोन और सिम खरीदी थी। पुलिस का मजीद कहना है कि मुलजिम मुजफ्फर हुसैन के मोबाइल फोन की सिम कराची की रहायशी खातून लतीफा बीबी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। मुलजिम ने अमीर बलाज की शादी की तकरीब से निकलते ही सीधे उन पर हमला कर दिया। मुजफ्फर हुसैन फायरिंग के दौरान ही अमीर बलाज के गनमैनों की फायरिंग से हलाक हुआ। अब मुलजिम गिरफ्तार किया जाए या सजा दे दी जाए, मगर अमीर बलाज टीपू
अब कभी भी लौट कर इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। वो अपने प्यारों को जो गम और तकलीफ देकर गए हैं, इसका मदावा किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। उनकी डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया तो ऐसा वाकया पेश आया कि सब दंग रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अमीर बलाज टीबू को 4 गोलियां मारी गई थी और जिस्म के जिस मुकाम पर गोलियां मारी गई थी वहां गोली लगने के बाद इंसान फौरी तौर पर हलाक हो जाता है, मगर अमीर बलाज टीबू की सांसें चलती रहीं और उन्होंने मरने से पहले थोड़ा बहुत अपने दुश्मनों के बारे में भी खबर दी थी, जिनके बारे में वो पहले भी एक इंटरव्यू में बहुत तफसीली तौर पर बता चुके थे। सभी हैरान थे कि इस मुकाम पर अगर गोली मारी जाए तो इंसान का 2 सेकंड भी जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं है, मगर बलाज टीपू फिर भी काफी देर जिंदा रहे और उन्होंने अपने जो आखिरी अल्फाज कहे थे वो अभी तक पुलिस ने राज में ही रखे हुए हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्तों में उनके बयान को शाया कर दिया जाए और दुश्मनों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, या हो सकता है कि दुश्मनों की मिली भगत से इस बयान को हमेशा के लिए बदल दिया जाए और अमीर बलाज टीपू को इंसाफ न मिल सके। हमारे मुल्क का अब ये मामा ही बन गया है कि जो भी नौजवान किसी भी मैदान में आगे बढ़ना चाहता है उसको हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाता है। पहले बिलाल पाशा की मौत एक सवालिया निशान बनी हुई थी, किसी ने उसे खुदकुशी करार दिया था तो किसी ने उसे कत्ल की खुली साजिश करार दिया था, और अब अमीर बलाज टीपू की मौत भी सबके लिए एक सवालिया निशान बन गई है कि क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी का निज़ाम इस कदर नाकिस हो गया है कि किसी को भी कभी भी कत्ल किया जा सकता है, चाहे वो कोई गरीब हो या चाहे कोई बाअसर सियासी शख्सियत हो। कत्ल करने वाले कत्ल कर देते हैं, दुश्मन पालने वाले दुश्मनियां पाल लेते हैं, मगर ये नहीं देखते कि मकतूल के घर वालों और उनके खानदान वालों पर क्या गुजरती है, उनकी जिंदगियों पर इस बात का क्या असर होता है। आखिर कब तक पाकिस्तान में यही सब होता रहेगा और हम अपने नौजवानों के सोने जैसे जिस्मों को वक्त से पहले ही सुपुर्द खाक करते रहेंगे। आखिर कोई तो ऐसा निज़ाम हो जिसकी वजह से ये महसूस किया जा सके कि पाकिस्तान में भी इंसाफ होता है या किसी को तहफ़ुज़ हासिल है। खानदानी दुश्मनियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाती हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अमीर बलाज टीपू के दादा का कत्ल 1994 में किया गया और इसके बाद अमीर बलाज टीपू के वालिद को 2010 में गोली मारकर कत्ल किया गया, और अब अमीर बलाज टीपू का कत्ल होना उनके पूरे खानदान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और आजकल के नौजवान बच्चों से भी अपील है कि वो अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखें और कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाने से पहले 1000 बार इस बात के बारे में सोच लें कि अगर वो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए तो उसका खमियाजा उनके पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा और उनके माँ बाप बुरी आंखों में आंसू लिए हमेशा अपने घर की चौखट पर देखते रहेंगे और उनका इंतजार करते रहेंगे, जबकि वो ये भी जानते होंगे कि अब उनका लख्ते जिगर कभी भी वापिस लौट कर नहीं आएगा। उनके बीवी बच्चे यतीमी में पलकर बड़े होंगे। हमारा अलमिया ये है कि हमने अपने मजहब इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया है और इस्लाम की तालीमात को छोड़ने वाला इसी तरह से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर लेता है। हमें सब्र तहम्मुल बिल्कुल भी नहीं रहा है, ना ही हम किसी की बात को बर्दाश्त कर पाते हैं, और जरा जरा सी बात पर खानदानी दुश्मनियाँ वजूद में आ जाती है जो कायम रहती है और हर खानदान में से किसी न किसी लख्ते जिगर को छीनती रहती हैं। और बाजुकात ऐसा होता है कि खानदानी दुश्मनियों के नतीजे में बहुत सारे बेगुनाह भी इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं, जिनका इस दुश्मनी में कोई हिस्सा भी नहीं होता और ना ही कोई कसूर होता है। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों पर रहम फरमाए, उन्हें सब्र बर्दाश्त की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हर माँ के लख्ते जिगर की हिफाजत फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोज आपको बर वक्त मिलती रहें।